हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नॉर्मलिटी पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में पढ़े और अब नॉर्मलिटी पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम जिससे और कॉन्सेप्ट आपका नॉर्मलिटी का क्लियर हो, देखते हैं। 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 देन फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 250 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 का 4.9 ग्राम स्थित है, तो सामान्यता में घोल की शक्ति ज्ञात करें। सबसे पहले H2SO4 का हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 कितना हुआ 98। और अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने से पहले हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे, तोड़ेंगे, तो 2H प्लस SO4 माइनस माइनस। तो इस तरह कैटायन पर स्थित चार्ज या एनायन पर स्थित चार्ज जो है वो 2 है। तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इस मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड करेंगे और इस और ये आ गया कितना 49। अब हम लोग को इक्विवेलेंट वेट मिल चुका है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 4.9 है और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 है। तो नॉर्मलिटी के फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। x into 1000 by e into v, तो x गिवन मास के रूप में 4.9 into 1000 by equivalent weight 49 और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट हटेगा 10 और ये पॉइंट हटेगा, ये 49 है, सॉरी ये पॉइंट है 49। तो यहां पर इसका पॉइंट हटने पर हो जाएगा कितना 10 और ये कैंसिल, ये इससे कटेगा 4, तो 4/10 इट मींस 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पर इस पूरे प्रॉब्लम को बनाने में इस बात को समझना है कि सबसे पहले आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लें और इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए भी पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, फिर उसको कैटायन पर स्थित चार्ज से डिवाइड करना होगा। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए यहां गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 4.9 और इक्विवेलेंट वेट 49 और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 और इस तरह से नॉर्मलिटी का फाइनल आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 1200 ml of solution contains 98 ग्राम ऑफ H3PO4 देन फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1200 ml के सॉल्यूशन में H3PO4 का 98 ग्राम है, तो यहां एज ए सॉल्यूट H3PO4 है और इसका 98 ग्राम डिसॉल्व किया गया है, तो घोल की सामान्यता नॉर्मलिटी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए यहाँ 1 × 3 प्लस 31 प्लस 16 × 4 तो ये आ गया 98। और अब इक्विवेलेंट वेट निकालने से पहले H3PO4 को डिसोसिएट करेंगे ताकि चार्ज प्रेजेंट और कैटायन पता चल जाए। 3H प्लस और PO4 माइनस 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 और इस तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 आपका हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल चार्ज प्रेजेंट और कैटायन 3 और एनायन भी 3 है। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट। और अब नॉर्मलिटी, गिवन मास कितना है, गिवन मास 98 इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट हमने क्या निकाला 98 बाय 3 और इनटू गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1200
तो ये कट गया, ये थ्री और ये दो जीरो कैंसिल, तो ऊपर आपका कंप्लीट ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 30, 30 अपॉन 12, 30 अपॉन 12, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे और ये हो गया 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। और यहां भी जो आंसर आया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में होगा। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार फिर से देखते हैं, पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालें, फिर इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसको डिसोसिएट करके कैटायन के चार्ज के बारे में जाने। चार्ज 3 आया, 3 से डिवाइड करने के बाद इक्विवेलेंट वेट प्राप्त हुआ और तब नॉर्मलिटी। अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, मोलरता और मोलरता के बीच संबंध निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी की परिभाषा से आप क्या जानते हैं, उसका क्या डिफिनेशन, क्या फॉर्मूला है? एम एक्स इंटू वन लीटर वाला फॉर्मूला यहाँ यूज किया है, जेड इंटू वी। और अब यहाँ एक्स वाई वी को यही रखते हुए एम को जेड से मल्टीप्लाई किए इक्वेशन नंबर वन। अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी के डिफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी तो क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल लीटर वाले में फॉर एक्स इंटू वन बाई जेड इंटू ई इंटू वी, ई इंटू वी। और अब x by v यहाँ भी तो n into e, तो आप देख सकते हैं इस दोनों इक्वेशन में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड हमने इक्वल किया n by m, यानी फ्रॉम इक्वेशन, from equation 1 and 2 we get n by m equals z by e। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये है मॉलिक्यूलर वेट और ये है इक्विवेलेंट वेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 और इसी का इक्विवेलेंट वेट अगर निकाला जाए तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 98/2। और इस मॉलिक्यूलर वेट को इस H2SO4 के अगर इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया जाए तो क्या लगता है, 98/2 क्या आएगा, 2। अगर इसी तरह से H3PO4 के इस मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट से भाग दे तो क्या आएगा, 3। तो ये 2 यही डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है और यहाँ का 3 यही डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है। तो वास्तव में ये जेड मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट वैलेंसी फैक्टर हो जाता है n by m। तो यहाँ पर n equal n into m, where n equal valency factor,
जहां n जो है वैलेंसी फैक्टर है। ऐसे आपको बता दें कि n टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन या एसिड के केस में एसिडिटी और बेस के केस में ये बेसिसिटी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो ये एन जो टर्म है वैलेंसी फैक्टर है। एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझते हैं। मोलरिटी के डिफिनेशन के अनुसार m इक्वल x इनटू 1 बाय z इनटू d, तो हमने x y की इक्वल है m इनटू z इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी x इनटू 1 बाय e इनटू d, तो x y की इक्वल n इनटू e इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड हमने इक्वल कर दिया, तो इस तरह से n by m इक्वल n, यहां मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट के रेशियो को हमने n के इक्वल लिया। ये n वैलेंसी फैक्टर है। ये कहां से आया, हमने समझाया कि जैसे SiO4 के केस में मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट से आप डिवाइड करते हैं, तो वास्तव में ये वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है जो बच रहा है कटने के बाद शेष रह रहा है। और इसको समझ सकते हैं कि एसिड के केस में ये डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन के इक्वल होगा, बेस के केस में डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन के इक्वल होगा, सॉल्ट के केस में टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन के इक्वल होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये n, वास्तव में आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नॉर्मलिटी को मोलरिटी में और मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे 0.001 m H3PO4 का सॉल्यूशन है, अगर आपको नॉर्मलिटी चाहिए तो इस 0.001 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैलेंसी फैक्टर 3, तो ये हो जाएगा आप मोलरिटी से नॉर्मलिटी, यानी कि नॉर्मलिटी में चेंज हो जाएगा। और ये कहां से समझे, इसमें टोटल डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 3 और इस मोलरिटी के वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.003 n H3PO4 का ये सॉल्यूशन अब हो गया। अगर यहाँ H2SO4 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई, HCl होता तो 1 से, अगर NaOH होता तो 1 से, तो इस तरह से n वैलेंसी फैक्टर होता है। तो ये था आपका आज का ये प्रॉब्लम का क्लास नॉर्मलिटी के लिए। थैंक यू।